अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ कुरतलैन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। महंगाई है कि दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है और अब लगता यूँ है कि गरीब के मुँह से रोटी का नवाला छीनने की भी जो है यहाँ पर तैयारी कर ली गई है और तजवीज़ यहाँ पर दी गई है कि आटे की कीमत को यहाँ पर बढ़ाया जाए। 20 किलो आटे का थैला तकरीबन 660 रुपये महंगा करने की तजवीज़ है, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि 20 किलो आटे के थैले की जो कीमत है वो 980 से बढ़कर 1640 रुपये हो जाएगी। ये अभी तक यहाँ पर तजवीज़ है और महकमा खुराक ने फ्लोर मिलों के लिए गंदम की इमदादी कीमत जो है 1765 रुपये से बढ़ाकर 2690 रुपये करने का यहाँ पर मशवरा दिया है। सैलाब आया हुआ है पूरे मुल्क में, गजाई बहरान वैसे ही चल रहा है, सब्जियां वैसे ही महंगी हैं। अफगानिस्तान से, ईरान से जो है कुछ सब्जियां आई हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कीमतों में कोई खातिर ख्वाह कमी नज़र नहीं आई है। रोटी एक वो वाहिद चीज़ है जो गरीब आदमी ने यहाँ पर खाने ही खानी है और अब ये जो तजवीज़ है महकमा खुराक की, उसके बाद तकरीबन अब 660 रुपये का इजाफा मुतवक्को है। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल, 660 रुपये का इजाफा मुतवक्को है, ये तजवीज़ अभी महकमा खुराक की, ये बताएगा कि अभी भी लोगों के लिए आटा खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया है, अगर ये महंगा हो गया फिर लोग क्या करेंगे? भूखे मरेंगे और क्या करेंगे, भूखे रहेंगे। जब 10,000 15,000 रुपया महीना कमाते हैं तो 15,000 का आटा खा जाएंगे तो क्या बचेगा? पीछे बिजली के बिल देंगे या आटा खाएंगे? तो क्या करे हुकूमत, आपको क्या लगता है? जाहिर बात है क्योंकि गजाई बहरान है, सैलाब आया है, गंदम की फसलें तबाह हो गई हैं, क्या करेंगे? तो पब्लिक को रिलीफ दें ना, आवाम को रिलीफ दें कोई, बल्कि कम करने के बजाय और बढ़ाई जा रहे हैं। और बढ़ाई जा रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आटे की कीमत को बढ़ाने की तजवीज़ है और ये मेरे ख्याल से ये भाई शायद पुराना ही ये लगा हुआ है बैनर वजीर आला पंजाब के, आटा सस्ता। हाँ जी, यहाँ से नहीं मिलता सस्ता आटा, यहाँ पे लगाया है मगर ये 1350 रुपये का देते हैं 15 किलो वाला, यहाँ पे लगाया है 500 रुपए का और 1000 रुपए का, मगर मिलता किसी से भी नहीं है, सब ब्लैक सस्ता करके आटा है ना, ये तो देते नहीं है ना, ब्लैक करते हैं। अच्छा। कोई भी नहीं देता। हाँ। किसी भी इलाके में चले जाए कोई भी नहीं देता। अच्छा। लेना है तो 1400 रुपए का 15 किलो का। हाँ। उससे कम नहीं मिलता। और ये जो 10 ये किलो लेगा वो कहते नहीं है, हुकूमत से जाके लो। अच्छा, अगर ये आटा महंगा हो गया जो तजवीज़ है, आपको क्या लगता है ये महंगाई में जो इजाफा हो रहा है कि किस तरीके से आपको मुतासर करेगी? हुकूमत की नाअहली है, कुछ हमारी मुनाफाखोरी है। मुनाफाखोरी कितनी है हमारी? बहुत ज्यादा। और नाअहली कितनी है हुकूमत? नाअहली तो बेफिक्र ही हो जाए ना, फिर वो तो छोड़ ही दें, वो सबसे ज्यादा है। ये हुकूमत और पोजीशन जो है ना, ये अपनी सीट की खातर दौड़ भाग कर रही है और गरीबों का कुछ नहीं कर रही। ये देखे ना, जज साहबान इनको पूछ नहीं सकते इमरान खान को कि ये 9 सीटें पे आप इलेक्शन लड़ना है, क्यों लड़ना है? फिर बात नहीं, 9 ही रखनी है, फिर इसने छोड़नी है। 8 सीटें छोड़ेगा ना तो खर्चा नहीं होगा। ये जो इनको जितने जलसे कर रहे हैं, इतना खर्चा ये कर देना गरीबों को, तो अब गरीब तो फायदे में होंगे। ये तो गरीब तो मर रहे। अब ये ओवरऑल जो महंगाई है, अभी मैंने आते हुए मैंने टमाटरों की कीमत पूछी, आज भी 200 रुपये किलो टमाटर है। आप बताए ना, ये लोग क्या करेंगे? बुरा हाल है जी, ये गरीब आदमी तो रोटी से तंग है। मैं रक्षा चलाता हूँ, 3 दिनों में 150 रुपया गैस का बढ़ गया, एलपीजी का। हाँ जी, 450 450 350 रुपये गैस मिल रही है। मैं रक्षा चलाता हूँ, मैंने रात को डलवाई है 270 रुपये, सुबह जब मैं गया हूँ तो 350 रुपये। करोड़ों रुपया जो खर्चा कर रहे हैं, ये जलसों में करोड़ों कर रहे हैं, तो ये गरीबों में करें ना, क्यों कर रहे हैं? ये जो 9 सीटों पर इलेक्शन इसने लड़ना है, इसने छोड़नी है ना 8 सीटें, फिर नहीं इलेक्शन होगा तो खर्चा नहीं होगा गरीबों को। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या देख रही हैं, कितनी आपको कोई फर्क लगा सब्जियों में? सस्ता हुआ थोड़ा बहुत सामान के नहीं हुआ? ये 100 निकाला है। हाँ। लेकिन प्याज 150 है। हाँ। वैसे 100 भी दे रहे हैं, लेकिन अपना अपना रेट है इनका। हाँ। जैसे भी है, सुबह हमारे पास पैसे थे, अब हमारा परस खाली है। अच्छा, ये इतनी सी हांडी लेके जा रहे हैं, ये 500 रुपए की है। क्या लिया आपने? ये कीमा है और ये प्याज है बस, आलू जी 500 की है ये बस। और अभी खानी है हमने पूरा महीना, हमने सिर्फ दाल और सब्जियां खानी है, क्योंकि ये महंगाई इस कदर है, क्या करें? ठीक है ना, 25,000 सैलरी है, उसमें क्या कर सकते हैं हम? आटा महंगा होने की तजवीज़ है क्या? सब कुछ ही महंगा है, आटा छोड़ें सब कुछ ही महंगा है, सस्ता है क्या? ठीक है, पहले वो ही सौदा है जो हम 3500 का लेके जाते थे, अब जाके बिल देखे हमारा 8000 का बना हुआ, सौदा वही है। हाँ। खाने वाले भी वही हैं। हाँ। सिर्फ रेट क्या कि रेट सारी चीज़ों का बढ़ा है ना,
सिर्फ आटे का नहीं बड़ा, सारी चीजों का लेकिन बड़ा। लोग ये कहते हैं, लोग ये कहते कहते कि देखिए गरीब आदमी ने दो वक्त की रोटी तो खानी 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 आप बताए ना, अगर आटा महंगा हो गया, अगर एक किलो आटा है, जाहिर बात है फर्क पड़ेगा जी। क्या कहेंगे गरीब लोग, क्या कहेंगे, रो ही सकते हैं या इल्तजा ही कर सकते हैं कि गरीबों के बारे में कुछ सोचा जाए, ठीक है ना। जो कमाने वाला एक फर्द है, मैं ही कमाने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, बच्चे हैं मेरे, तो बच्चों के लिए मैंने कमा के लेके आना। क्या जॉब करती हैं आप? मैं स्टाइल में काम करती हूँ, अच्छा। स्टाइल टेक्सटाइल में वहाँ पे जॉब करती हूँ। 20 अब 25,000 सैलरी हुई है, जब 20 थी 15 थी उस वक्त गुजारा होता था, अब 25 है तो गुजारा नहीं होता। 10-12,000-15,000 हम लोग अलग से लेके यूज करते हैं, उधार लेके फिर जाके पूरा होता है, फिर जब सैलरी मिलती है उधार वाले आ जाते हैं कि हमें वही सर्कल चल रहा है, वही सर्कल चल रहा है, रोना धोना वही है। लेकिन इस हुकूमत से हमें कोई सुकून नहीं है किसी तरीके से भी गरीबों के बारे में। मैं भी इनसे पूछते गई थी कि आप ये, अभी मैंने प्याज, अभी मैं आ रही थी तो मैंने वहाँ देखा है कि इतना मोटा प्याज था वो 100 रुपए किलो था, अब यहाँ पे 150 है। मैंने 100 निकाला लेकिन 150 है यहाँ पे। आपने वहाँ से क्यों नहीं लिया? बस वो हम लोग आगे आगे फिर जेल में आया कि ले लेते तो सही था। अभी इन्होंने मुझे बताया कि टमाटर भी 200 रुपए किलो हैं। जी ऐसे ही है, आलू 70 रुपए ऐसे ही है। गरीब यही खा सकते हैं ना, शिमले की मिर्चे 100 रुपए पाओ, 400 रुपए किलो, क्या करें। चले आप ये बताएं, आप ये आज ये सरकारी कीमत के मुताबिक तो आज प्याज थोड़ा कम है, ये बताएं। हाँ देखिए, हर चीज का जो है ना एक मियार होता है, हर चीज वहाँ पे 80 रुपए किलो भी है, 50 रुपए किलो भी है। मेरे पास गाग आता है अच्छा, तो अच्छी चीज लानी पड़ती है, अच्छी चीज के पैसे होते हैं, इस वजह से, और बात कोई नहीं है ना। कि आप चले आप भी सारी बातें बेच रहे हैं, अगर आप महंगा सौदा कर आप लाए मंडी से, बहरहाल आप महंगा बेचेंगे, लेकिन हमारे प्रॉब्लम ये भी है कि रेट लिस्ट के मुताबिक तो कोई अमल नहीं होता ना। कुछ भी नहीं होता भाजी, कुछ भी नहीं होता, ये पाकिस्तान है यहाँ पे कोई अमल नहीं होता किसी चीज का भी। आपने भी तो रेट लिस्ट नहीं लगाई ना। मैं आपको वही बता रहा हूँ, लिस्ट क्या लगाए, जो मंडी के अंदर होता है रेट लिस्ट होती है, उसमें सौदा ही नहीं होता, मंडी के अंदर सौदा ही नहीं होता उस रेट पे। आलू क्या किलो है? ये आलू मंडी के अंदर से 60 रुपए किलो आए हैं, तो 70 रुपए बेच रहे हैं। प्याज आपने क्या किलो लिया आज? प्याज मैंने 900 रुपए का 5 किलो लिया है, ठीक है, तो 150 रुपए बेच रहा हूँ, इसका मतलब 180 रुपए ला के तो 30 रुपए नुकसान में बेच रहा हूँ। और टमाटर की क्या धड़ी मिली आज? टमाटर जो है ना वहाँ पे 800-900 रुपए था, ठीक है, तो 20 रुपए किलो के पीछे हक है या नहीं है। मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ, आपके अंदर सही हूँ। ये तो चले बात दुरुस्त है आपकी, जहरी बात है आप भी यहाँ काम करते हैं, कमाते हैं, ये हर चीज़ आए दिन महंगी हो रही है। आज ये तजवीज़ है महकमा खुराक की तरफ से कि गंदम की कीमत बढ़ाई जाए, आटे की जो 20 किलो आटे का जो थैला है उसके ऊपर 660 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ है। अगर ये 660 रुपये बढ़ते हैं आटे के ऊपर, आप किस तरीके से मुतासर होंगे? सारे मुतासर हो जाएंगे, हम खुद गरीब हैं। देखो 980 रुपए का थैला कहीं पे भी नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट का रेट है ना 980 रुपए का, किसी भी स्टोर पे चले जाओ वो आपको 1200 का, 1300 का, यहाँ तक 1400 का भी आटे का थैला मिलता है, समझ रहे बात। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है, क्यों नहीं पकड़ते? आंटी सस्ता आटा आपने कब लिया आखिरी बार? 980 रुपए का 20 किलो का थैला कब लिया आपने? इनके शोहर को पता होता है, मुझे नहीं पता। वो महंगाई में आपको लगता है इजाफा हुआ है? हाँ जी बहुत ज़्यादा। क्या लेके जा रही हैं अभी? दूध और बेसन। बेसन लेके जा रही हैं आप? क्या लेके जा रही हैं? सेब लेके जा रहे हैं, नहीं बस फल लेके जा रही हैं। आटा महंगा हुआ फिर क्या करेंगे? बस फिर क्या करेंगे, अपनी मजबूरी में तो खाएंगे किलो किलो लेके ही, बच्चे तो भूखे नहीं मार लेना, किराएदार तो होंगे बेचारे भूखे मर जाते, जिनकी 1500 आमदनी होंगी 15,000 तो वो बेचारे 20,000 खर्चा किधर से निकालेंगे, निकाल पाएंगे कोई? फिर छोटे छोटे बच्चे परदेश से भी आए हुए होते, कोई अपनी भी जगह आती है, बस बिलों में इतनी महंगाई हो गई थी, आटे में इतनी महंगाई है, राशन पानी में इतनी महंगाई है, कहते हैं कि कानून सस्ता करता है, इधर तो हमें कोई कानून नहीं सस्ता लगता, भी कानून करती है, बस नहीं होता ना। इन्होंने वही रेट रखना जो है ना, इन्होंने अपने मुताबिक ही देना है ना, तो हमें गरीबों ने क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, बच्चे आ जाएंगे सड़कों पर भूखे रोएंगे और क्या करेंगे, बस यही है। इस तरफ जरा चलते हैं, इस तरफ चल के जरा बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बात करते हैं। आटा स्टोर तो लाइन लग गया हो ना कि आटा है ही नहीं। कौन से स्टोर से? वो जेड़ा गवर्नमेंट का स्टोर बनया है। अच्छा आगे आओ जग्गू पूछने है 15 किलो वाला थोड़ा महंगा है, नहीं लिया जाता, आज वापस जा रहे हैं। नहीं ये तो सरकारी आटा जो है 20 किलो का आटा 980 रुपए में, वो कौड़ा आटा है। कौन सा
कौड़ा आटा है, उसमें क्या कौड़ापन है? आटा ही नहीं सही है। ये आगे जो सरकारी स्टोर है वो तो सही मिल रहा है, वहाँ पर भी आटा है? वहाँ पर वो दे आंदे कहते ना आंदे ही नहीं, यूटिलिटी स्टोर पे आटा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। अच्छा हाँ ना लगे चलो सामने स्टोर है नहीं दे रहे, रश लगा वहाँ पर कारखाना और आटे के ऊपर पैसे बढ़ाने की तजवीज है 660 रुपए, 660 रुपए का बढ़ गया गंदम के ऊपर, आटे के ऊपर, क्या करेगा गरीब आदमी? वो कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी में फिर मोल लाना है, पर 110 रुपए किलो दे चक्की का आटा है, 110 रुपए किलो चक्की का आटा है इस टाइम मिल रहा है, तो ये 800 रुपए दे रहे हैं भाई। इतने अभी वो यूटिलिटी स्टोर पे भी आटा नहीं मिल रहा? नहीं दे रहे। नहीं दे नहीं रहे या मिल नहीं रहा? वो कहते ना आ ही नहीं रहा, ना घी आ रहा ना चीनी आ रही। रश लगा हुआ है यूटिलिटी स्टोर पे? हाँ जी, पीछे चौक पे। अच्छा, वो तो मैंने देखा है। हाँ जी, नहीं दे रहे। अब आप यहाँ से आटा लेंगे? वो 15 किलो का थोड़ा महंगा दे रहे, नहीं है कि वापस जा रहे, मगर चावल लेके पका रहे हैं। अच्छा, तीसरा दिन है वेखनानी लैन आते हैं, नहीं दे रहे, कहने नहीं है खत्म हो गया है। तीसरा दिन है बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, चौल खा जा रहे हैं, चौल रोज रोज तो नहीं खाए जाते ना, बच्चे स्कूल जाते रो रो तो घर आ जाते ना, रोटी दो रोटी दो, आटा लेने आना है आटा नहीं मिलते ही नहीं दे, कहने आए खत्म हो गया, लड़ाई की बस जा जिन्हें को लेने हैं ले आओ जाके जब पकड़ा दो, इस तरह की बातें कर दे हैं। अभी कहाँ पर है ये आप जरा रुकिएगा थोड़ी देर, और अभी हम यूटिलिटी स्टोर के भी चलते हैं, आप जरा साथ चलेंगे हमारे? जब भी जाओ कहते हैं आया नहीं, जब जाओ आया नहीं। मैं जरा यहाँ पे मुझे थोड़ी देर बाद जरा मैं ब्रेक जरा ले लूँगी यहाँ पर, और ब्रेक के बाद हम लोग यूटिलिटी स्टोर पे जाएंगे और इनको साथ लेके जाएंगे, और वहाँ पे जरा जाके देखेंगे आटे का आखिर मसला क्या चल रहा है। आया आटे की शॉर्टेज है जो कि शायद हो भी, लेकिन अगर शॉर्टेज नहीं आटे की तो फिर यहाँ पर आटा क्यों नहीं मिल रहा है, बात करते हैं। आटे का थैला मैम ये हुकूमत दे रही है 980 रुपए का लान किया, तो मिलता नहीं है, मैं कहता हूँ मिलते ही नहीं है। उधर मियाँ चौक वाली शहर पे बागड़ी है, किसी भी स्टोर पे चले जाए कोई आटा देते ही नहीं है 980 रुपए का, 1200 रुपए का 1300 रुपए का थैला दे रहे 980 वाला, प्राइवेट फ्लोर मिलों का जो आटा जी जी नहीं, 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 ये वाला आटा, ये वाले आटे की बात कर रहा हूँ, 980 रुपए का थैला, ऊपर कीमत लिखी है लेकिन देते नहीं है। अच्छा। देते 1200 रुपए का भी है, कोई पूछने वाला नहीं है, सरकारी बंदे मिले हुए हैं साथ, हुकूमत साड़ी वजीर आला नु पता ही कोई नहीं है, वजीर आला ही साड़ा काम करेगी, आवाम भुखी मरती पई है, तो किसको जाके गए हम, अब अले मेरे साथ देखने 1200 रुपए का थैला देंगे वही 980 वाला, हर जगह पे चले जाए किसी भी जगह, ये भजन को भेजें कहेंगे आटा ही नहीं है, पूरा ट्रक उतर रहा है 980 रुपए कीमत लिखी है, कहेंगे आटा नहीं है, तो देंगे 1200 रुपए का, साथ वाला कहेगा 1202 ये ले जाओ अभी। अच्छा। 1300 रुपए को कोई पूछने वाले नहीं है, किसी को कोई भी पूछने वाला नहीं है आटे के बारे में। 660 रुपए अगर आटा महंगा होता है, तजवीज़ है, फिर क्या करेंगे लोग भाई? खुदकुशी करेंगे और क्या करेंगे हम, हुकूमत का क्या जाना है कि कोई गरीब बंदा कह रहे मुझे 490 रुपए का आटा मिल रहा है, मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो, कोई भी नहीं दे रहा, अंदर गोदाम भरे हैं, कीमत वही है, वो सरकारी रेट है, पर देते नहीं है, देते 1200 रुपए का। हाँ जी, 1200 का दे रहे हैं मेरे भाई, ये कैमरे के सामने तो हर कोई यही बोलेगा 980 रुपए रेट है, लेकिन अब जाहिर बात है हम लोग ब्याह से अगर चले जाते हैं फिर तो 1200 रुपए का। कल ये तो स्टोर है जी, इधर आया है जी आटे का थैला, 980 रुपया कीमत है, तो मैंने पूछा कहते जी ऐ सरकारी बंदा ना ले, यूटिलिटी स्टोर पे नहीं नहीं ये आगे जनरल स्टोर है। अच्छा। वो कहते सरकारी बंदा साथ है, उन्होंने 10 ऐसे तोड़े लगा दिए हैं। हाँ। तो ऊपर लगा दिए जी सस्ता आटा 980 रुपए का, तो मैं कहते वो कहते नहीं ऐ बस फोटो खींचनी है, फोटो खींच के लाइए नगे बाहर जो 1200 रुपए का थैला आटा गैप, उसी टाइम 10 मिनटों में आटा गैप कर दिया, पूरा ट्रक गैप कर दिया उन्होंने, तो आवाम किधर जाए? संगीन इल्जाम है यहाँ पर या आवाम की जानिब से? हुकूमत है ही नशे बेच, हुकूमत को किसी गरीब बंदे का एहसास नहीं है। संगीन इल्जाम है यहाँ पर ये आवाम की तरफ से आटे के ऊपर, और अगर आटा यहाँ पर ब्लैक हो रहा है चूंकि के इल्जाम है, हो रहा है मिस जी सरेआम हो रहा है, ये नहीं छुप के, तो लाजमी इस बात की यहाँ पर जो है तहकीकात यहाँ पर करवानी चाहिए। आवाम यहाँ पर ये कहती है ये जो 20 किलो आटा जो हुकूमत ने यहाँ पर लिख कर लगाया हुआ है 980 रुपए का मिल रहा है, अब लेते हैं मैडम फोटो लेते हैं, फोटोज की हद तक यहाँ पर ये आटा है, लेकिन बहरहाल ये आवाम को आटा आवाम के मुताबिक जो है 1200 या 1300 रुपए का 20 किलो आटे का थैला यहाँ पर मिल रहा है। मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम लोग यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं। वैसे तो यहाँ पर अमूमन हमें लोगों की लंबी लंबी लाइनें नज़र आती है, लेकिन आज यहाँ पर बड़ा सन्नाटा है। क्या वजह है आज यहाँ इतना सन्नाटा क्यों? आज घी नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है। तो है क्या फिर? हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे सस्ता है घी, इसी वजह से हम यहाँ पे हैं। लेकिन आज कह रही घी भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, अलाव ही नहीं है। हम वापस जा रहे थे तो इन्होंने, भाई ने कहा आप रुक जाएं। अच्छा, आटा क्या, आटा का क्या कहते हैं? कहते हैं ही नहीं, नहीं है। चीनी नहीं है, घी नहीं है, जो मेन पॉइंट चीज़ें वो तो है ही नहीं। तो इसके अलावा लोगों ने क्या लेना? मेन चीज़ें तो यही है ना, जो मेन पॉइंट ही नहीं है, जिसके अलावा लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। महंगाई में इजाफा हो रहा है भाईजान? बिल्कुल जी, बहुत इजाफा हो गया अभी तो। माशाल्लाह, लोग फंड इकट्ठा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? शराब जदगान के लिए। तो जो ये आवाम है वो कहाँ जाएंगे? वो पता नहीं कर क्या रहे हैं ये सब, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा ये कर क्या रहे हैं लोग। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी अमूमन यहाँ बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती हैं। आज तुमने बताया कि आटा आटा नहीं है, चीनी नहीं है और घी भी नहीं है। हाँ जी, इसी तरह। किस तरह ये चलेगा सिलसिला? अब देखिए ना, जब लोग लाइने लगा के खड़े होते हैं तो एक दो बंदे अंदर भेजते हैं, वो घंटा लगाएं, दो घंटे लगाएं, छः बंदे बाहर खड़े रहते हैं। अगर इस तरह करेंगे फिर एक गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी ख़राब करेगा। सारा दिन एक घी के पैकेट के लिए पूरी दिहाड़ी इधर खड़ा रहे, वो ज़ाया करके फिर वो उसकी नंबर आएगा, फिर वो लेके जाए। अगर हुकूमत सहूलत दे रही है तो वो खुले आम हर जगह पे सेल करे। किलो थैले के पीछे जो है 660 रुपये जो है बढ़ाने की तजवीज़ है महकमे खुराक की तरफ से, कि शायद आने वाले दिनों में जो है आटा मज़ीद महंगा हो। अगर आटा मज़ीद महंगा हुआ लोग कैसे खरीदेंगे? भाजी अभी लोगों की रोटी नहीं पूरी हो रही तो आगे क्या करेंगे? अब देखें ना, गैस 350 बिक रही है। जो गरीब आदमी जिसने रोटी पकानी है वो पहले 400 की गैस खरीदे, उसके बाद 500 का घी खरीदे, फिर जाके वो हांडी और रोटी पकाए। उसी की दुकान ही है ये, एलपीजी सिलेंडर की दुकान है। गवर्नमेंट किस चीज़ को तवज्जो ही नहीं दे रही, देख ही नहीं रहे वो किधर अंदर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। जिसका जिधर दिल चाह रहा है वो उधर रेट लगाई जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब तो वैसे भी सैलाब आ गया, सैलाब के बाद वैसे भी अब खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अब गजाई बहरान आएगा। जाहरी बात है, खड़ी फसलें बर्बाद होगी, माल मवेशी बह गए, मुल्क का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। तो एक हमने एक्सपेक्ट तो हमने किया था कि महंगाई होगी, लेकिन ये जो लोग खुद से जो महंगाई में इजाफा कर देते हैं उसके बारे में क्या कहते हैं? अभी फ्लड तो अभी है ना, इससे पहले आप देखें कि जो बिजली के बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स जो है, वो इतना होशरबा इजाफा कर दिया है कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेच के तो गरीबों की हेल्प करूँगा, इन्होंने तो गरीबों के कपड़े उतार लिए। ठीक है ना, तो ये तो यानी गलत बयानी है ना, यानी कह के कुछ आते हैं और करते कुछ हैं। जो भी आता है इस मुल्क के लिए और इस आवाम के लिए कोई भी अच्छा नहीं है। मुझे अभी पीछे में भी बात कर रही थी, मुझे उन्होंने बताया कि देखिए 20 किलो आटा जो है वो 980 रुपए का है। उन्होंने मुझे कहा कि कहीं पर भी जो है सरकारी रेट पर आटा नहीं मिल रहा। जी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई भी हुकूमत आ रही है तो बस उनको ये पता है कि एना और नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं पकड़ूंगा। ये इससे कोई सरोकार नहीं किसी गरीब आदमी को। उसको ये है कि जो रोज़मर्रा की जो अशिया है वो अगर उनके लिए वो अवेलेबल नहीं है तो वो यानी हुकूमत जो भी हो, वट्स एवर, वी डोंट केयर अबाउट द कोई भी पार्टी हो, ठीक है। लेकिन वो आवाम को जो है ना वो रिलीफ मिलना चाहिए, रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा। मैं तो वैसे सजेशन ये दूंगा कि जो आइटम बम हमने बनाया ना, तो ये आइटम बम भी अपनी आवाम पे मार दें खुद ही, ठीक है ना, ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए आवाम का, तो ये सुखी हो जाए, ठीक है ना। बस ये आगे बढ़ते हैं और जरा अंदर जरा चलते हैं, यूटिलिटी स्टोर के अंदर जरा चलते हैं, यहाँ जाके जरा बात करते हैं। आज वैसे तो इधर लाइट भी नहीं है आज तो। अस्सलाम वालेकुम जी, आज तो बड़ा जल्दी यहाँ सारा सौदा सलफ खत्म हो गया है, क्या बात हुई आज? नहीं, हमारे पास दरअसल ना चीनी और आटा जो है ना वो दो दिन से नहीं आया। अच्छा, क्या वजह दो दिन से चीनी और आटा ना आने की? पीछे से कोई शॉर्टेज वगैरह होगी ना, जिसकी वजह से सप्लाइयों, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो है ना पैकेज वो सैलाब जदगान के लिए उनके लिए जा रहा है, जिस वजह से वो नहीं आ रहा। वो एक अच्छी बात है सैलाब जदगान के लिए चले जाए, लेकिन यहाँ पर जो आवाम है मेरे भाई, तो उसका यहाँ पर क्या कसूर है? ये तो सवाल पूछना बनता है।
इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, आप जाके इंतजामिया से बात करें। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दो दिन से यहाँ पर आटा नहीं आया। जी, दो दिन से रोज आता आटा आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन आटा आता है। कितने थैले आते हैं आपके पास? मेरे पास अगर 10 किलो वाला आए तो 200 बैग आता है, अगर 20 केजी वाला आए तो 100 बैग। आज आपके पास घी भी नहीं है यहाँ पर? नहीं, घी तो ये पड़ा हुआ है मेरे पास। कौन सा घी है? अच्छा, ये कितने का है? ये 300। लेकिन उसके लिए शर्त फिर यहाँ पर ये होती है कि जब तक नहीं, बाकी भी तो सामान खरीदना पड़ता है। जिसने खरीदना है वो खरीद ले, नहीं खरीदना तो पैकेट दे रहे हैं। घी घी यहाँ पर है लेकिन चीनी नहीं है और आटा नहीं है, और गुज़िश्ता दो रोज से जो है यहाँ पर आटे की सप्लाई यूटिलिटी स्टोर पे भी नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? चाचा जी भी अभी यूटिलिटी स्टोर के अंदर गई, उन्होंने जो बताया कि आटा नहीं है, चीनी नहीं है, आटो ओवरऑल वैसे बड़ा महंगा हो गया है। आटा ना चीनी है, कोई शायद नहीं। क्या खाएंगे गरीब लोग? क्या करेंगे, क्या करेंगे, रो रहे हैं और क्या करेंगे। मैं अब चौथा पाँचवा दिन आटे पास आया, आटा मिल नहीं रहा, कोई शायद नहीं मिल रही, क्या करिए, किधर जाइए। गरीब आदमी हैं, माजर आदमी हैं, किराए पर रह रहे हैं। सही, ठीक है। 20-22 हज़ार रुपया किराया आ गया बिजली का, बिल आ गया, बिल आ गया। उस वक्त किराया भी 15-16 हज़ार किराया। चले, बड़ा मुश्किल है जनाब यहाँ पर गुजारा करना। हाँ, 10 किलो ला 400 रुपया था। अब आम की खिदमत नहीं, आपको कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है 400 रुपये का आटा? चीनी है 70 रुपये किलो, घ्यो 300 रुपये किलो, घ्यो जरा मिले भी तो ना, चीनी मिले भी तो ना, दो दिन से चीनी आई नहीं रही। चीनी देंदा है बाबा, जो आ रहे हैं कहते ने खत्म हो गया, नहीं आ रहा, जो आए तो टाइम नाल आप 5 दिन हो गया आंदियां नु, और पिछले स्टोर से आटा पे 1200 का दे रहे हैं। मैं तुझे अगे लिख लिया, मैं बुला रहा जी, तुझे अगे 800 का देंदे ने, इथे दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर होलसेल मार्केट पे मौजूद हैं। यहाँ पर ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, यहाँ पर भी जो है ये जो फ्लेक्सेस वगैरह लगाए गए हैं, बात करते हैं। भाईजान बेटा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आटा मिल रहा है यहाँ पर? आटा आ तो रहा है लेकिन फिलहाल आता कम है और बिक पहले जाता है। अच्छा। मसला दरपेश है, जाहिर सी बात है, हुकूमत कुछ इस तरह की आटा कम देती है और एक एक करने सेल ये, करने का ये 10 किलो जो है सरकारी कीमत वाला आटा, ये वाला आटा है भी? अभी मौजूद नहीं है, अभी नहीं है। आखिरी बार कब आया था? आखिरी बार मेरे ख्याल से तकरीबन 1 हफ्ता पहले आया। हफ्ता पहले आया था? जी, हफ्ता पहले आया। और कितने बैग आते हैं हफ्ता पहले? ये तकरीबन कभी 150 आते हैं, कभी 100 आते हैं, इस तरह आ रहे हैं। ज्यादा अभी अभी आटा यहाँ मौजूद नहीं है ना। और जो दूसरी फ्लोर मिल्स का जो आटा है, जो सरकारी आटा नहीं है, वो आटा है यहाँ पर? जी नहीं, वो भी मौजूद नहीं है। आटा है ही नहीं? है ही नहीं। आगे दुकानों पर आटा है? हमारे पास सूफी है, वो व्हाइट कलर का आटा है, वो आगे आगे है दुकानों पर आटा? आटा आज वो दूसरा फ्लोर मिल का अलगनी का होगा उनके पास, 15 किलो वाला। अस्सलाम वालेकुम जी, आटा नहीं है यहाँ पर, ये बच्चा बता रहा है, क्या बात है? आटा बजी कल 200 तोड़ा आया था, वो सेल हो गया, लोग परेशान हैं। आटा हमारे पास आता है बस 200 तोड़ा आता है, कभी 100 आता है, कभी 200। कितने का देते हैं आप आटा? आटा हम 980 का 20 किलो का, और 10 किलो का देते हैं 490 का। 10 किलो वाला तो काफ़ी देर से आ ही नहीं रहा। कितना 10 किलो वाला था आटे का थैला? नहीं, हमने सेल करा 200 थोड़ा, बस 200 आया, ज़्यादा नहीं आया। लोग 20 किलो का आया? 20 किलो का आया 200 थोड़ा, तो लोग परेशान हैं, आटा मिल नहीं रहा लोगों को। आटा मिल नहीं रहा। आगे जो स्टोर्स हैं यहाँ पर है ये सरकारी आटा? बस ये इनके पास होगा, शेखों के पास। अच्छा। उनके पास है, उनके पास कितने थैले आते हैं? उनके पास भी उनसे ही पता कर लें, कम ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते। अगर वो हमें रोजाना देना 1000 तोड़ा तो हम हर किसी को देना, लोग परेशान ना हो। लोग बहुत परेशान हैं आटे की वजह से, आटा नहीं मिल, आटा नहीं। ये सिर्फ इसी मुल्क में ये मसला आटे का, तकरीबन और किसी मुल्क में मसला नहीं आटे का। आगे बढ़ते हैं, मैं अभी 1 सेकंड रुके, मैं अभी प्रोग्राम करी थी, ये भाईजान मुझे प्रोग्राम के पहले हिस्से में मिले थे। प्रोग्राम का पहला हिस्सा मैंने शुरू किया था ग्रीन टाउन की तरफ से,
ग्रीन टाउन से आगे मैं यूटिलिटी स्टोर पर आई और अब जो है मैं यहाँ पर ये होलसेल मार्केट में मौजूद हूँ। और ये ऐसा इत्तेफाक की बात है, ये अंकल जो है प्रोग्राम पहले हिस्से से लेके अब तक जो है हमारे साथ साथ, ये नहीं कि हमने इनसे कहा है, बेचारे को जहाँ पता चलता कि भाई वहाँ पर सस्ता आटा मिल रहा है तो ये बेचारे वहाँ पहुँच जाते हैं सस्ता आटा लेने के लिए। जरा पूछ लेते हैं कोई कामयाबी मिली है? वो सामने जो गोदाम के अंदर वो आटा काट रहे हैं, मैं पूछा थे नहीं है वो लाद रहे, चलते देखो गोदाम पीछे से निकाल रहे हैं आटा, मैं पूछा थे कहते नहीं है, चल के देखो ना, चले आओ इनको तो मेरे दिल करा सस्ता आटा दिलाई दूं, आ जाए जरा। हाँ जी आप बताएं। मैं जी इतने आया, मैं पूछा मैं आटा दे दो, उन्होंने कहा जी आटा खत्म हो गया है, ये आटा अंदर से आ रहा है, आगे मोटरसाइकिल से चार तोड़े गए हैं। अच्छा कौन सी दुकान है ये? ये दुकान पीछे से लिया। अच्छा, और ये सरकारी आटा वजीर आला पंजाब की हदायत पर आवाम के लिए जो है सस्ता आटा खसूसी ये है, ये छोटी दुकानों वालों को देते हैं, एक एक गाह को नहीं देते हैं। आपको ये किसकी तरफ है ये? आपका है ये गोदाम कहाँ से निकाल के ले रहे हैं? पहला मोल भी पूछो। अच्छा ये आपका है ये? इससे ही मैंने पूछा है, इनसे पूछा है, मैं कहा आटे का तोड़ा दे दो, कहते नहीं है। आटे का तोड़ा ही आपसे मांगने आए थे अभी? आटा इन्होंने खरीदा हुआ है, इन्होंने ले लिया अभी आटा, मोटरसाइकिल पे भी गया आटा, उन्होंने भी खरीदा हुआ था, मैं भी खरीदने आया हूँ, लेके आए ये भी किसने कहा भी खत्म हो गया। इन्होंने अभी आपने आटा लिया के नहीं लिया? नहीं दिया ना, नहीं लिया इन्होंने आटा, आप इनको आटा क्यों नहीं दे रहे? आटा अभी इन्होंने ले लिया, खत्म हो गया। कहां लिया आटा? मेरे तो ये मेरे साथ घंटे से फिर रहे हैं, इनको तो आटा ही नहीं मिल रहा, एक घंटे से मेरे साथ फिरे जा रहे हैं बेचारे। ये दुकानों को देते हैं ना कमीशन पे, ज्यादा पैसे में जाता है, 1300-1400 का तोड़ा बेचता है। तीन दिन से आप आ रहे, बात सुने, ये आटा क्यों नहीं दे रहे आप यहाँ पर लोगों को? आटा एक दिन आता है हफ्ते में। ये किसके लिए आटा पड़ा हुआ है? ये उनका है। किसके लिए? उनका, उन्होंने खरीदा हुआ। इन्होंने खरीदा है ये बंदा था। क्या आप एक वक्त पर, आप एक वक्त पर कितने थैले दे सकते हैं? चार पांच थैले दे सकते। किसको दे सकते चार पांच थैले? जो भी आएगा। इनको दे दे, ले ले। तो आप पहले क्यों नहीं दे रहे आटा? पूछो इन्हें क्या नहीं है, खत्म हो गया है। क्यों आपने ऐसा क्यों कहा खत्म हो गया आटा? बाद में लदा है, पहले मोटरसाइकिल में लदा है। ये आटा आपने खरीदा है? इधर तो आए जरा, फिर इन्होंने खरीदा आपसे आटा? क्या करते हैं आप? दुकानदार हूँ। आप ये आपने कितने का लिया आटा? ये वाला 980 रुपए। 980 रुपए का लिया है ये आटा? दुकानदारों के लिए तो नहीं है ये? दुकानदारों के लिए? दुकानदारों के लिए तो आप कितने यहाँ पे थैले लेके जाएंगे? दुकानदार कहाँ से लेके बेचे? ये जो बेचारे घंटे से पार हो रहे हैं, एक एक दो दो ले। आपको तो दुकान पे आपको खुद सरकारी तौर पर आटा नहीं आता? जी जी नहीं, कोई नहीं आता। हाँ कोई नहीं आता? नहीं, आपको दुकान पर सरकारी तौर पर आटा नहीं मिलता? नहीं, नहीं मिलता। आपको नहीं, कितने नहीं, तोड़े मिलते हैं जी? आपको कितने तोड़े मिलते हैं? एक तोड़ा भी नहीं मिलता। तो आप फिर इस तरह लेके जाएंगे? हम यहाँ से सामान लेते हैं, इनके साथ आटा लेते हैं, पांच तोड़े। आप किस खुशी में इनको सरकारी आटा यूँ धड़ाधड़ दे रहे हैं? आपके पास है कोई कागज, कोई है? आपको हुकूमत ने बताया कि आप एक वक्त पे आप कितना, आप एक वक्त पे कितना थैले आप उठा के दे सकते हैं? भाईजान बात कर लेते हैं भाईजान, ये कितने एक वक्त में कितने थैले ये दे सकते हैं लोगों को? यहाँ पे मुख्तलिफ देते हैं लोगों को ये, नहीं, तो। ये बाउंड है, इनको इजाजत है ये सरकारी आटा आगे दुकानदारों को बेचें? ये तो मुझे मैडम नहीं पता। आपको इजाजत है सरकारी आटा दुकानदारों को बेचने की? किससे दी इजाजत, किससे दी इजाजत आपको? हाँ जी गवर्नमेंट ने नहीं दी मैडम। एक मिनट, उनको नहीं, नहीं, नहीं पता ये गवर्नमेंट मुलाजम है ये? क्यों? बच्चा बैठता तो उन्हें नहीं पता गवर्नमेंट मुलाजम आगे गवर्नमेंट का आटा बेच रहे हैं? बच्चा आ रहा है वो बता। नहीं, नहीं, यही बताएंगे, बताएंगे तो यही। अच्छा आपको पता है ये भाईजान एक घंटे से नहीं चाहिए थी? एक सेकंड रुक जाए, कोई आटा नहीं है, खत्म हो गया है, उधर मोटरसाइकिल से तीन तोड़े ले दीजिए, फिर इनको भी मिल जाते हैं। इनों की बात नहीं है सर, मेरी बात सुने, ये भाईजान किस कैपेसिटी में सरकारी आटा दुकानदारों को दे रहे हैं? तीन दिन से आ रहा हूँ मैं, बड़ा परेशान, बड़ी दूर से आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, नहीं मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, फाइन आटा है 1400 रुपए। ये किसका? रक्षा वाला का? ये दुकानदार है, ये दुकानदार। तुम कितने दिनों तो आ रहे हो जी? कितने दिनों तो आ रहे हो? मैं तो आना नहीं ना कुछ, एक वक्त पे कितने थैले लेके जाते हैं आपको? हमें हफ्ते में एक दिन आटा मिलता है, जुमे रात के दिन सरकारी आटा। हाँ जी, वो कितने तोड़े आते हैं आपके पास? जी कितने तोड़े आते हैं? तकरीबन 5-6 तोड़े हमें मिलते हैं। आपको पता है आप दुकानदारों की वजह से इन गरीब लोगों की कितनी हक तलफी होती है? तो दुकानदार कहाँ से? आपको पता है कि दुकानदार आप लोग यहाँ से तो 980 रुपए का आप लोग आटा लेके जाते हैं, आगे जाके आप इन गरीब लोगों को आप यहाँ पे 1200-1200 रुपए का आप यहाँ पर आटा देते हैं? 1200 का सब बेचते हैं, 1200 के कैमरे के आगे कौन मानते हैं 1200 का हम नहीं बेचते?
भाईजान चाचा जी मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ सर, मैंने प्रोग्राम क्लोज करना है, किस खुशी में ये सरकारी आटा यहाँ पर लाद लाद के दुकानदारों को दिया जा रहा है? आपके पास ये कोई मुझे बताया कोई लीगल कोई बात हो, कोई सरकारी किसी ने आपको राइट दिया? मैं मानू सर मेरी गलती है, आप दे दे, किसने अभी बात एक सेकंड मैं आपसे बात नहीं करी, इनसे बात करी नहीं, ये इनका तो मुझे नहीं पता, मैं तो आपको बताता हूँ, एक सेकंड मैं सिर्फ इनसे बात कर रही हूँ। आप यहाँ के मालिक हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे हमसाए हैं। आप बड़ा ख्याल करें आप हमसायों का। चाचा जी को जरा बुला दे, चाचा जी भी आए, अंदर आ जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं दुकान के अंदर। कोई बात नहीं, मैं बुला रहा हूं। इनको भी एक तोड़ा दे, एक तोड़ा इनको दे 980 रुपए का, एक तोड़ा उस चाचा जी को भी दे 980 रुपए का, मेरे सामने दे, मैं कैमरे के सामने दिलवाऊंगी। नहीं मेरा क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका हक है ये, ये सरकार ने आपको दिया आटा, मुझे नहीं दिया आटा ये वाला, क्यों नहीं देते सारे इनका नहीं सब, सर ये आपका हक है ये आटा लेने का, ये मेरा हक नहीं है, आपको यहाँ पे खड़ो के मैं आटा दिलाऊंगी। कितने का तोड़ा? 980 का, 980 का, 980 का सरकारी कीमत। आपको एक चाहिए तो दो, मुझे एक ही चाहिए। मैं सवेर का फिर ना, 5 दिन हो गए ना आज, बच्चे भूखे बैठे ना। हाँ जी उसको चलने दो, अब ये अंदर से आटा आ रहा है, ये पहले पूछ के गए हैं, इन्होंने कहा कि आटा नहीं है। चले मिले, मैं पूछ के गया जी। ले जी चाचा जी, वो अंदर चाचा जी को बुलाएं। आ जाते हैं वो भी, पैसे ले लो इनसे, एक मिनट पैसे वो आते हैं, आते हैं। एक तोड़ा भी दे दो। सरकारी आटा क्यों अंदर रखा हुआ है छुपा कर? चाचा जी खुश है? हाँ जी हाँ जी खुश है, मैं तो पीछे पीछे इससे बात देगा जी बाजी, क्यों ये लोग अंदर रख लेंगे ना, गरीबा नहीं देंगे, ए मल्ले वाली दुकाना देते उन्होंने मुक्का होता, तुसी 1300 1400 अपना 50%। आप खुश हैं? हाँ जी मैं खुश हूँ। ले ले आटा, आप आपको भी बकाया दे दो। हम पहले जब यहाँ पर आए थे, बहरहाल कितनी सख्त ज्यादती है ये देख लो, हम पहले जब यहाँ पर आए थे इन्होंने कहा आटा है ही नहीं, ये मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि चाचा जी प्रोग्राम के पहले से यहाँ हमारे साथ आए, और ना मैंने इनको बुलाया, ना मैं इनको जानती हूँ, ना मेरे इनसे कोई ताल्लुक वास्ता है। मैं कह आए चाचा जी आए जाए चल के आटा ढूंढते हैं, यूटिलिटी स्टोर पे आटा नहीं, पीछे आटा महंगा, यहाँ पर आटा आप देख लें किस तरीके से निकल रहा है, ये ज्यादती है भाई, बहरहाल ज्यादती है ये। अगर हुकूमत यहाँ पर अगर ये आटा दिए 980 रुपये किलो तो दे ना आवाम को भाई, ये दुकानदार किस खाते में यहाँ पर आटे लेके जाते हैं? गरीबों की हक तलफी होती है, गरीब बेचारा सुबह से लेके शाम तक आटे के पीछे फिर रहा है फिर रहा है फिर रहा है, उसको आटा नहीं मिलता, यहाँ पर अंदर आटा पड़ा हुआ है। बहरहाल ये मुझे प्रोग्राम यहाँ पर क्लोज करना है, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब, मैं सिटी 42 है, शुक्रिया अदा करता हूँ जी, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। चौधरी परवेज इलाही साहब मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मैं प्रोग्राम की मेज़बान हूँ, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, आपने गुजरात के लिए आपने कई करोड़ों अरबों रुपए की आपने ग्रांट्स मंजूर करवाई हैं, ये शहर लाहौर है, शहर लाहौर के माई बाप हैं आप यहाँ पर, ये गरीब अवाम है, ये 980 रुपए किलो आटा जो है यहाँ पर दुकानदार लेके चले जाते हैं, अवाम बेचारी यहाँ पर ख्वार होती रहती है सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके रात तक, लोगों को यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही साहब यहाँ पर लोगों को आटा नहीं मिलता है, 980 रुपए किलो आटा, 20 किलो आटा यहाँ लोगों को नहीं मिलता है, आटा यहाँ पर ब्लैक होता है, और ये यहाँ पर ब्लैक हो रहा है, ये बात अब तो मैं यहाँ पर वसूख से कह रही हूँ, ये आटा यहाँ पर ब्लैक हो रहा है। दुकानों से निकलेगा निकाल के, वो चाचा जी बाहर नहीं आए, मैं अंदर चली जाऊँ? आए मुझे क्लोजिंग कर लेते, खुर्सत रुक जाओ अंदर जा देख लें, एक मिनट रुक जाए फिर आ जाओ। बाहर आवाज़ें आ रही हैं, शो ख़त्म हो गया, शो तो ज़ाहिर ही बात है ख़त्म हो जाएगा, 32-33 मिनट का शो होता है, और आप ज़रा यहाँ देख लें, बार बार यहाँ पर पूछा गया आटा है, उन्होंने कहा आटा नहीं है, आटा नहीं है, आटा नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि तोड़े यहाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन शायद किसी 10-12-20-25 खानदानों के लिए ये आटा बहरहाल यहाँ पर बहुत है, आटा यहाँ ब्लैक हो रहा है चौधरी परवेज इलाही साहब, और ये बात अब मैं आपको वसूख से कह रही हूँ, ये दुकानदार जो है ये सस्ता आटा जो है आगे इन दुकानदारों को फरोख्त करते हैं, इसके ऊपर एक्शन लें तो मज़ा आए। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कुरतलन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।